अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, मुझे एक सवाल पूछना था कि हमारे अभी जो कोर्स है उसमें मॉड्यूल 12 तक अपलोड हुए हैं वीडियोस, तो ये मॉड्यूल 12 तक ही है? हाँ जी, आपके जितने भी कोर्सेज हैं वहाँ पे मौजूद हैं, सबके मॉड्यूल 12 तक ही हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो आप लोगों ने सबमिट करवाना है उसकी थोड़ी डिटेल वगैरह बता देता हूँ कि वो किस तरह आप लोगों ने करना है। आप लोगों को डॉक्यूमेंट मिल गया होगा और ये आपके पैनल पे भी अपलोड हो चुकी होंगी चीजें। ठीक है, तो ये आपके पास डॉक्यूमेंट है। आपने एक एक क्या बनानी है, आपने एक मूवी एप्लीकेशन बनानी है। इसका ये डिजाइन दिया गया, एग्जैक्टली ये डिजाइन ना हो, ठीक है। आपने अपना डिजाइन ऐड करना है, जो सा भी आपको अच्छा लगे। ये सिर्फ टेम्पलेट है कि इस तरह का डिजाइन होना चाहिए। इसमें आप दो पैनल बनेंगे आपके, एक आपका एडमिन पैनल बनेगा और एक आपका क्लाइंट पैनल बनेगा, जो कि यूजर के लिए मोस्टली होगा, जो यूजर विजिट करेगा और जाके मूवी देखेगा। इस पे मूवी प्ले भी होनी चाहिए, बेशक आप पूरी मूवी ना डालिएगा लेकिन इसका प्रोमो डाल दें फॉर टाइम बीइंग। क्लियर? उसके बाद क्या है, आपने रिएक्ट, बूटस्ट्रैप, एचटीएमएल, सीएसएस, मटेरियल, यूआई, जो आपका दिल करता है, जो जिसमें आप बेहतर हो डिजाइनिंग करते हुए, आपको लगता है कि मटेरियल यूआई में आपका ज्यादा सेट है, तो आप मटेरियल यूआई यूज कर लो। अगर नहीं तो बूटस्ट्रैप यूज कर लो। अगर कुछ भी नहीं, एचटीएमएल सीएसएस के थ्रू आप सिंपल ये एप्लीकेशन बना सकते हो। इंटरफेस सिंपल है इसका, ज्यादा फंक्शनैलिटीज नहीं है। सिंपल आपने करना क्या, आपने लॉग इन करना है, जिसको साइन इन कहते हैं, साइन अप करना है और साइन आउट करना है यूजर को। अब एडमिन की कुछ फंक्शनैलिटीज हैं। एडमिन जो है ये मूवीज की लिस्ट जो नजर आ रही है, एडमिन ये ऐड कर सकता है। क्लियर? और जैसे ही एडमिन ऐड करेगा, जैसे यूजर जो अपने साइट पर रीलोड करेगा, तो उसको ऑटोमेटिकली वो मूवी नजर भी आनी चाहिए और ये मूवीज ऐड होंगी बाय कैटेगरीज। ठीक है, तो अब आप लोगों को अंदाजा हो जाना चाहिए कि कैटेगरीज भी एडमिन ऐड करेगा, क्योंकि किस कैटेगरी में ये मूवी लाए कर रही है, ये मूवी किस कैटेगरी की है बेसिकली, तो वो भी एडमिन ही बताएगा। और यूजर सिर्फ सर्चिंग कर सकता है बाय नेम ऑफ द मूवी और फिल्टर कर सकता है उसकी कैटेगरी के हिसाब से कि कौन कौन सी टाइप की मूवी है, क्या वो एनिमे है, क्या वो एक्शन मूवी है, क्या वो कॉमेडी मूवी है। इस तरह वो अपना चीज चेक कर सकता है। क्लियर बात? अब इसमें आपने बैकएंड पे यूज करना है नोड जेएस और एक्सप्रेस। क्लियर? मंगो और साथ में डीबी के लिए आपने यूज करनी है मंगो डीबी। अब इसमें आप लोगों को आएगा कि सर हम ये इमेजेस किस तरह अपलोड करेंगे, तो इमेजेस के लिए आप लोग यूज करोगे मल्टर। ठीक है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी मौजूद है इंटरनेट पे, आप पढ़ भी सकते हो। मल्टर के थ्रू ये सारा काम होगा आपका। ये एंड पॉइंट्स बताए गए हमें आपको, एग्जैक्टली यही एंड पॉइंट्स आपने बनानी। ठीक है, बैक एंड जो बनाएंगे उसके एंड पॉइंट्स जो होंगे वो इस तरह होंगे, एपीआई स्लैश यूजर स्लैश साइन अप, एपीआई स्लैश यूजर स्लैश लॉग इन, एपीआई स्लैश यूजर स्लैश यूजर की आईडी। ये तीन आपके हो गए यूजर के लिए, यूजर क्या रजिस्ट्रेशन के लिए, लॉग इन के लिए और डिलीट के लिए। उसके बाद सेम जाएगा आपके मूवी के लिए, तमाम मूवीज गेट करने के लिए। ये जो आपका पहला लिंक है ये सारी मूवीज रिटर्न करेगा आपको। उसके बाद जो दूसरा है ये आपको कोई मूवी एडमिन साइट पे एपीआई लगेगी और ये प्रोटेक्टेड भी होगी एपीआई, कि एडमिन के अलावा कोई एक्सेस करेगा तो ये इसको नहीं करना चाहिए। एडमिन ये एपीआई के थ्रू डाटा जाके अपने मंगो डीबी में स्टोर करवाएगा और डिलीट करने के लिए सेम राउट api.movie.movieid। उसके बाद आपके पास कैटेगरीज आ गई, उसकी कैटेगरीज के लिए दो ये तीन राउट चलेंगे बेसिकली। क्वाइर जो है ये सिंपल सी ऐप है, इसमें इतना कोई भी एक चीज है जो आप लोगों को सर्च करनी है और समझनी है, वो है मल्टर। आप सिंपल जाके नेट पे जाके लिखोगे मल्टर, आप नोड लिख देना सिंपल मल्टर नोड, ये पहली वेबसाइट आ रही है आपके पास मल्टर एनपीएम पैकेज की।
इसमें सारी डॉक्यूमेंटेशन आपकी मौजूद है। वो बता रहा है कि अगर आपका सिंपल एचटीएमएल वगैरह यूज कर रहे हो, आपके रिएक्ट के अंदर का किस तरह से आपने ऐड करनी है इमेज, उसका उसने कोड भी स्निपेट दिया हुआ है आपको। आपकी टाइप कौन सी होनी चाहिए, ये आपकी टाइप है एपीआई की, जो एपीआई का रिस्पॉन्स भेजते हैं तो उसमें आप एक्सेप्ट टाइप और कंटेंट टाइप बताते हो। कंटेंट टाइप आपकी ये होगी। उसके बाद उसने आपको पूरा एक नोड का डमी स्ट्रक्चर दिया हुआ है सारा, कि इस तरह से अपलोडिंग होनी है। तो ये क्वाइट ईजी है, आपको डॉक्यूमेंटेशन रीड करनी आनी चाहिए। तो कोई क्यूरी आप इसमें बेशक यही कोड को आप कॉपी करके नोड में लगाओगे ना, ये चलेगा। तो इसी को आपने अपडेट करना है। अब देखोगे आप अपने पास आपकी मूवीज के लिए क्या चीज रिक्वायर्ड है। मूवीज के लिए बेसिकली आपका एक थंबनेल रिक्वायर्ड है, टाइटल रिक्वायर्ड है, कितने मिनट की मूवी है वो, और कौन सी कैटेगरी की मूवी है, एक्शन की है, किसकी है, और वॉच ट्रेलर है। वॉच ट्रेलर पे क्लिक होने पे इसका वीडियो का लिंक चलना चाहिए, जो वीडियो इसकी होगी। क्लियर बात? कोई इसमें आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी तरह का, इससे रिलेटेड या पीछे जो कुछ पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर माइक ओपन करना नहीं मुनासिब तो आप मैसेज में बेशक पूछ लो मेरे से। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। सारी ये मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकते हैं? ये व्हाट्सएप ग्रुप के लिए ना, आप नीचे जो आपका पैनल होगा ना, उस जी पैनल जी में जहाँ आप इस जो मेल लिखी हुई है, ये PFTP, ये फोन जी नंबर जी लिखा हुआ है, इन पे आप मैसेज कर दो। यहाँ पे जी कोऑर्डिनेटर जो हैं उनको मैसेज कर दो, सिर्फ वो आपको ऐड कर सकते हैं ग्रुप में, मैं नहीं कर सकता। मुझे चले ठीक हो, अथॉरिटी जी उनको, आप कहोगे वो आपको ऐड कर देंगे उसी टाइम। चले ठीक हो। बस सर एक सवाल पूछना था आपसे। सर जी। ये जो यूजर का जो भी है लॉगिन वाला डेटा होगा, ये रजिस्ट्रेशन वाला जो डेटा होगा, ये तो डेटाबेस में स्टोर हाँ जी, ये सारा डेटा ईच एंड एवरी चीज आपकी डीबी से आ रही होगी, स्टैटिक कोई चीज नहीं होगी। आपको जो ये नजर आ रहे हैं, आपको ये साइड पे फिल्टर्स जो ये मैं कैटेगरी नजर आ रही हैं, ये भी डीबी में होंगी। मैं चाहूं तो 10 ऐड कर दूं, मैं चाहूं तो 1 ऐड करूं, उतनी ही मुझे यहाँ शो होनी चाहिए। सर्चिंग आप पे है, आप फ्रंट एंड पे करना चाहते हो फ्रंट एंड पे कर लो, अगर आप बैक एंड से करना चाहते हो तो बैक एंड से कर लो। लेकिन जब हम बड़ी एप्लीकेशन पे काम करते हैं देन हम बैक एंड से ही करते हैं, मोस्टली फ्रंट एंड की अप्रोच हम यूज नहीं करते। सर ये जो हमें मूवी के जो आपने ट्रेलर की पिक्चर जो लगाई है थंबनेल, तो ये मल्टर के थ्रू ही हमें करनी होगी या हम उसको रिएक्ट के थ्रू भी कर सकते हैं? नहीं, ये मल्टर के थ्रू ही होगा, क्योंकि ये डीबी से आना ना। आप नोड में मल्टर के थ्रू मैं अपनी इमेज अपलोड करोगे, उसका पाथ जो है मंगो डीबी में स्टोर करवाओगे आप, देन वो पाथ आप एज यूआरएल बना के यहाँ पे प्लेस करोगे अपना टेम्पलेट की जगह पे, देन थंबनेल की जगह पे, देन वो थंबनेल यहाँ पे शो होगा। सही है। पर हमें ये सबमिट ना करना है। आप लोगों ने फाइल अपलोडिंग वाला काम किया हुआ है कि नहीं अभी तक? नहीं सर, अच्छा नहीं किया। अच्छा नहीं सर, कोई मसला नहीं, आपके सामने ऐसी काफी चीजें आएंगी जो आपने पहली दफा कर रहे होगे इंडस्ट्री में, तो हर टाइम जी। आपको जो है ना हेल्पिंग मटेरियल नहीं मिलेगा, आपको थोड़ी R&D करनी पड़ेगी। लाइब्रेरी मैंने आपको बता दी, ये लाइब्रेरी है मल्टर, इसके थ्रू आप अपलोडिंग वगैरह करोगे। जो आप डेटा यहाँ से भेजोगे वो जेसन में नहीं जाएगा, वो फॉर्म डेटा में जाएगा। पोस्टमैन आप में से किस चीज को यूज करना आता? पोस्टमैन के बारे में आपको बताया कि नहीं बताया अभी तक? मुझे बता दो, मैं आपको और भी दे देता हूँ पोस्टमैन का। नहीं सर, थोड़ा सा गाइड कर दें। ठीक है यार, पोस्टमैन आपके पास आपका एपीआई का टेस्टिंग टूल है, आईपीआई क्लाइंट है। आप इंटीग्रेशन करने से पहले एक ये एपीआई बनाइए आपने, जैसे ये मैंने एपीआई बनाई हुई है, ठीक है, इनको अपलोड करने से पहले, इनको फ्रंट एंड पे इंटीग्रेट करने से पहले आप टेस्ट करते हो क्या हमारा डेटा सही आ भी रहा है कि नहीं, जिस फॉर्मेट में डेटा चाहिए आपको उस फॉर्मेट में आ भी रहा है कि नहीं, फाइल अपलोडिंग सही हो भी रही है कि नहीं,
वो सारी टेस्टिंग पार्ट जो है ना वो आप करते हो पोस्टमैन के थ्रू। क्लियर? ये आपका ईपी का लिंक है जो मैंने आपको बताया। आपका लिंक इस तरह बनेगा, लोकल होस्ट 4000 पोर्ट नंबर यूज करे तो 4000 लिखा है यहाँ पे, अगर आप 5000 मैं यूज करूं तो 5000 लिखा है। उसके बाद आप ऐड करोगे ए, किधर गया ये वाला लिंक, आप उसके बाद ऐड करोगे एपीआई यूजर लॉगिन यहां पे, एंड देन आप टाइप सजेस्ट करोगे। टाइप भी वहां पे डिफाइन हुई है कौन सी टाइप आप यूज करोगे, पोस्ट टाइप कही है मैंने आप, तो यहां पे पोस्ट टाइप यूज करोगे आप। आपको गेट भी मिल रही है, पोस्ट भी मिल रही है, पुट भी मिल रही है, पैच भी, डिलीट भी। आपने पोस्ट चूज की, ये बॉडी में गए, बॉडी में आपको ये नजर आ रहा है फॉर्म डाटा, आपने इसमें जाना है। जब भी आपने फाइल अपलोडिंग करनी होती है आप डाटा जो है वो जेसन फॉर्मेट में भी नहीं भेजते, आप भेजते हो उसे फॉर्म डाटा के फॉर्मेट में। यहां पे भी आप मल्टर के अगर डॉक्यूमेंट में जाओ ना, उसकी जो मैंने आपको ऑफिशियल दिखाया वहां भी वो यही कह रही है। ये देखें आप क्या लिखा हुआ है, फॉर्म डाटा। फॉर्म डाटा में आपका फाइल होगी देन ही वो अपलोड होगी, अगर जेसन में आप सेंड कर रहे हो वो अपलोड नहीं होगी। क्लियर बात? यस सर। आपने यहाँ पे फॉर्म डेटा सेलेक्ट किया, फॉर्म डेटा सेलेक्ट करने के बाद की होती है आपकी, की बेसिकली क्या है, आपकी यूनिक नेम है। जेसन आप लोगों ने किया होगा एपीआई से लिंकिंग, वहां पे की वैल्यू पेयर होता है। फॉर्म डेटा में भी आपके पास की वैल्यू पेयर ही चल रहा होता है। मैंने की लिख दी फाइल अपनी, और यहाँ पे आप करोगे ना तो आपको मिलेगी टाइप, क्या टेक्स्ट टाइप है या ये फाइल है, मैंने कहा फाइल है, तो यहाँ पे सिलेक्ट का बटन आ गया ऑटोमेटिकली मेरे पास। क्लिक करने में आपका ओपन हो जाएगा पूरा मॉडल, ये रहा मॉडल। आप फाइल जो भी करनी है सिलेक्ट, आप सिलेक्ट कर लो फाइल, सेंड करोगे ये एपी में रिस्पांस भेज देगा। इसके साथ मल्टीपल चीजें भेज सकते हो आप, और ये काम ऐसा है जो आपने इंडस्ट्री में जाके करना ही करना है, इसके बगैर आपका कोई गुजारा नहीं है सर। लेकिन ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये आप पोस्टमैन में, हम टेस्टिंग सिर्फ टेस्टिंग के लिए करेंगे, अदरवाइज तो हमें ये मोंगोडीबी में बनाना पड़ेगा। बनाओगे आप मोंगोडीबी में, सब कुछ आप करोगे वैसे ही जैसे करते हो। एपीआई टेस्टिंग के लिए सिर्फ आपको ये चाहिए, आपको ये नहीं होगा कि ये मंगोडीबी में स्टोर नहीं होगा। जब एपीआई हिट होगी डेटा स्टोर मंगोडीबी में ही जाके होगा। ठीक होगा। बस ये टूल है आपके पास जो आप इंटीग्रेशन से पहले यूज करते हो, आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करते अपनी एपीआई की फ्रंट एंड पे, पहले उसको टेस्ट करते हो। कोई और सवाल आप लोगों का? सर अगर ये हम मंथ स्टैक का जो कोर्स कर रहे हैं इसके बाद हमें आपके यहाँ पे ये इंटर्नशिप मिलेगी, पेड इंटर्नशिप या जॉब वगैरह मिलेगी हमें? जॉब की वैकेंसीज आती हैं हमारे वहाँ पे, आप उन जॉब की वैकेंसीज के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। ये चीज आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, और आप कोऑर्डिनेटर से भी बात कर सकते हो, वो भी आपको बता देगा कि हमारे वहाँ पे जॉब्स आ रही हैं, किस लिहाज से आ रही हैं। लेकिन उन्होंने तो गाइड किया कि जो सर आपको पढ़ाते हैं अगर वही आप में एफिशिएंसी देखेंगे, मींस वो आप में काम देखेंगे, अगर आप कर सकते हैं तो फिर वही जॉब में आप दे सकते हैं। बेशक अगर आप जो काम आपको करा रहे हैं अगर आपको यही आ जाए ना, तो आप इंडस्ट्री में कहीं पर भी जाके इंटरव्यू दे सकते हो। अगर जो आपको कराया गया है वही आप जो है ना सही तरह से करो, तो आप कहीं पर भी जाके इंटरव्यू दे सकते हो। आप इजिली इंटर्नशिप पे हो गए या जॉब पे आप इजिली लग सकते हो। सही होगा सर। ये मन स्टैक में सिर्फ वेबसाइट्स बनती हैं कि एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं? मन स्टैक स्पेसिफिक है आपकी वेबसाइट के लिए, आपने एप्लीकेशंस बनानी है तो रिएक्ट के लिए, रिएक्ट के में अगर आपने काम आता है आपको, देन आप यूज करोगे इलेक्ट्रॉन डेस्कटॉप और विंडो, मैं विंडो और मैक के लिए एप्लीकेशन बनाने के लिए, और रिएक्ट नेटिव से, रिएक्ट नेटिव आप यूज करोगे मोबाइल के लिए। सही होगा। लेकिन मैं आपको पर्सनली ये कहूंगा कि पहले एक चीज पे पूरी ग्रिप हासिल कर लो, उसके बाद किसी दूसरे की तरफ जाना। जी सर ऐसे ही है। जी किसी का कोई और सवाल? सर बैकएंड के लिए थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं, बैकएंड में कंपनी के अंदर किस
बैकएंड में क्या काम होता है? यार बैकएंड में आपकी जौन सी मर्जी कंपनी क्यों ना हो, बेसिक उसमें होते क्रड्स ही हैं। ठीक हो, मतलब कि आप क्रिएट करते हो, डाटा अपलोड करते हो, सेव करते हो, डिस्प्ले करते हो, बस होता बैकएंड इसी के राउंड बाउंड है। उसमें आ जाती है लॉजिक, बेसिकली सारी लॉजिक आती है। क्रड ही होते हैं, क्रड भी डिफरेंट तरह के होते हैं कि आपने फॉर एग्जाम्पल 10 टेबल है, 10 टेबल को कंबाइन करके आपने डेटा प्रेजेंट करना है, ये होगा उसमें। हाँ, ज्यादा से ज्यादा बस ये हो सकता है, इससे ज्यादा कोई और लॉजिक लगने वाली नहीं है उसमें। सारी ये जो पेमेंट वगैरह का इश्यू होता है वो भी हम बना सकते हैं? पेमेंट के लिए आप मल्टीपल लाइब्रेरीज यूज करते हो। अगर आपका क्लाइंट इंटरनेशनल है, नेशनल क्लाइंट नहीं है, इंटरनेशनल है, तो वो आपको स्ट्राइप की स्ट्राइप कहेगा, क्या मुझे स्ट्राइप इंटीग्रेट कर दो या पायनियर इंटीग्रेट कर दो, पेपाल इंटीग्रेट कर दो, तो वो आपको उनकी एपीआईज मिलती हैं, पूरी बनी बनाई एपीआईज होती हैं। आपने कुछ नहीं करना होता, आपने सिर्फ डाटा लेना है क्लाइंट से और उस एपीआई में डाटा देना है। अब आपको एपीआई का पता होना चाहिए, एपीआई होती है क्या, देन ही आप कुछ कर सकते हो उसमें। सही हो गया। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में बैंक आपको एपीआई प्रोवाइड नहीं करता, वो आपको इंटीग्रेशन करके देता। अगर आपने किसी बैंक की करनी है, उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन होती है, आपको ऐसे ही बैंक अलाउ नहीं करता कि आप जो है ना इंटीग्रेट कर लें। उनकी मेन मेथड सारी जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका। जी, ये जो हम ब्लॉकचेन कंपनी में हम काम करते हैं, मैंने तकरीबन 6 महीने काम किया है रिएक्ट प्लस वेब 3 के अंदर। अच्छा, उस पे जो ये बैकएंड पे काम हो रहा है वो किस हवाले से हो रहा है? वो मुझे तो उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन वहाँ पे यही है कि NFT वगैरह सेल होती हैं, तो उसमें सारा पेमेंट का इशू होता है। वो पेमेंट आपकी वो होती है आपकी मैं उसके थ्रू, सोलिडिटी के थ्रू, ठीक है, सोलिडिटी के थ्रू होती है। हाँ, तो वो भी एपी आपको मिल जाती है। अगर आपने रीड आउट करना हो इसके बारे में तो सिंपल गूगल पे ही जाना, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जिस लैंग्वेज में करना चाहते हो वो आगे नाम लिख देना। अब ये उसने आपको खुद बहुत बड़ी ऐप प्रोवाइड कर दिया, अब इसको पढ़ो करके देखो, आपको खुद बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरह काम करते हैं सारा कुछ। सही होगा, ये काफी थ्योरी है, नीचे कोड भी प्रोवाइड किया होगा उम्मीद है। हाँ, ये देखो जी सर, ये सारा कोड प्रोवाइड किया हुआ है आपको। तो ये सिर्फ मुश्किल तब तक है जब तक आपने काम किया नहीं है। जब एक दफा आपके हाथ से काम गुजर गया ना, उसके बाद ये चीज बहुत इजी हो जाती है। ऐसे ही है, कोई नई चीज आए तो घबराते नहीं है, उसको करके देखते हैं कि यार है क्या चीज, ज्यादा क्या होगा, गलत हो जाएगी। लेकिन सर ये है कि हम फर्स्ट टाइम बना रहे होते हैं तो हम किसी की हेल्प भी नहीं लेते, खुद ट्राई कर रहे होते हैं, ऊपर से प्रेशर होता है कि प्रोजेक्ट की डेट लास्ट गुजर जाती है, फिर यही है कि हम नेट से देख के फिर बना लेते हैं, फिर वो बात हमें समझ में नहीं आती। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि नेट से ना देखो, इंडस्ट्री में चलती ही R&D है। जो अच्छा डेवलपर होता है ना, उसका मतलब ये नहीं होता कि उसका दिमाग कुछ और है, उसका मतलब ये होता है कि उसकी R&D बहुत अच्छी है आपसे, वो प्रॉब्लम का सलूशन आपसे जल्दी निकाल लेता है, और उसने इतनी ज्यादा R&D कर चुका होता है कि आधी से ज्यादा प्रॉब्लम का सलूशन उसको ऑलरेडी पता होता है, वो बनता है सीनियर डेवलपर। होती वही सारी चीजें जो आप करते हो, उनके पास कोई ऐसी तोप नहीं होती कि जो उनको सीनियर बनाती है, उनको सीनियर बनाने वाली चीज ही R&D है, कि उनको पता होता है यार आप प्रॉब्लम लेके गए उनके पास, उनके पास ही प्रॉब्लम ऑलरेडी आ चुकी होती है, ये वो उसको सॉर्ट आउट कर चुके होते हैं, वो आपको बता देते हैं यार ये इस तरह करो आपका मसला हल हो जाएगा। सही है, ये टाइम के साथ साथ चीजें आ जाती हैं आपको, उसका मसला नहीं है। सारे एक और क्वेश्चन पूछना है। पूछो, कोई मसला नहीं। सर ये हमारे लिए जावास्क्रिप्ट बेस्ट है कि टाइपस्क्रिप्ट बेस्ट है? यार टाइपस्क्रिप्ट की अपनी वर्थ है, टाइपस्क्रिप्ट बेसिकली आपके पास जावास्क्रिप्ट का सुपर सेट है, उसमें थोड़ी आपकी जो है ना फ्रीडम कम कर दिया गया उन्होंने, आपको स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं कि आप स्ट्रक्चर बना सकते हो, आपको ईच जो डाटा है किस टाइप का वो डिफाइन करते हो। अब JS में मसला क्या है कि इसमें टाइप डिफाइन ना करने की वजह से कुछ एरर ऐसे होते हैं जो आपको नजर नहीं आते, लेकिन जब वो ऐप चलती है
या उसमें कोई ऐसा डेटा डाला जाता है वो ऐप क्रैश कर जाती है, तो उसको बचाने के लिए बेसिकली यूज किया जाता है टाइपस्क्रिप्ट। सही होगा, ना टाइपस्क्रिप्ट खत्म होने वाली है ना जावास्क्रिप्ट खत्म होने वाली है, ये बात याद रखें, ये दोनों एक दूसरे को काटने वाले कभी नहीं। आपकी जितनी यहां पर न्यू एपीआईज हैं वो सारी टाइपस्क्रिप्ट में बन रही हैं, ये नजर आ रहा है आपको ऊपर टीडी लिखा हो, ये टाइपस्क्रिप्ट है। क्योंकि एपीआईज में बेसिकली क्या होता है कि आपका डाटा, आपको पता होना चाहिए कौन सा डाटा यूजर भेजे है मुझे। जावास्क्रिप्ट में ये काम नहीं होता, यूजर कुछ भी भेजेगा आपको, उसको वैलिडेशन लगानी पड़ेगी, मल्टीपल चेक्स लगाने पड़ेंगे, आपको टाइप ऑफ करके हर चीज को देखना पड़ेगा कि मैं स्ट्रिंग मांग रहा हूँ ये स्ट्रिंग में आ भी रहा है कि नहीं मेरे पास आ रहा। टाइपस्क्रिप्ट ये सारे इश्यूज आपके रिजोल्व कर देता, वो कहता है टाइप डिफाइन करो यहाँ कि किस टाइप का डाटा आएगा। सही हो गया, और कोई सवाल किसी का? किसी भी किस्म का किसी का कोई सवाल तो मुझसे पूछ रहे हैं। अगर माइक ऑन करना आप लोगों के लिए नासिब नहीं है इस वक्त, तो आप मैसेज में बेशक मेरे से पूछ लें मैं कोई भी सवाल। किसी का कोई सवाल नहीं है? नो सर। यहाँ तो समझाया बड़ा अच्छा मैंने, यहाँ आता बड़ा था दो ही वे है। नहीं सर, पराया भी आपने किया और समझ भी नहीं आई। ठीक, कुछ देर वेट कर लेते हैं, क्या पता कोई बच्चा आ जाए। और सारे एक क्वेश्चन पूछ लूं? हाँ, पूछो पूछो, कोई मसला नहीं, जितना मर्जी पूछो। सर वो एक लॉजिक वाला क्वेश्चन मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया, वो लॉजिक नहीं मेरे से बन रहा कि एक से लेके 20 तक गिनती चल रही है, उसमें से हमने 3+5 का जो सम है ना उसको हमने नीचे लिखना है। थ्री प्लस फाइव का जो सम है? यस सर, मतलब एक से लेके 100 तक गिनती चल रही है, उनमें से
कोई भी दो इस तरह के नंबर हो उनको ऐड करने से 10 आ जाए, उस पे हम कौन सी कंडीशन लगाएंगे या कौन सा लूप लगाएंगे? आप यार उस अरे पे लगाओगे फोर ईच और उसके अंदर कंडीशन लगाओ कि इफ दो नंबर को जो इंडेक्स वन आ रहा है आपके पास और इंडेक्स टू, मतलब क्या इंडेक्स प्लस वन और इंडेक्स मल्टीप्लाई करोगे स्क्रीन पे कर सकते हैं मैग्नीट्यूड का। शुक्रिया सर। मैग्नीट्यूड अब आपका सवाल था कि आपके पास एक रे है इसमें रैंडम नंबर्स हैं, ठीक है, रैंडम नंबर ले लेते हैं। यस सर। 10 कह लिया मैंने, 5 कह लिया, 2 कह लिया, 6 कह लिया, 8 कह लिया और 7 कह लिया फॉर एग्जांपल। अब आगे बताओ आगे कंडीशन क्या थी? हम कोई से दो नंबर को सम करने से 8 के बराबर आ जाए या 6 के बराबर आ जाए, व्हाटएवर। चलो ठीक है, हम लेते हैं कि 8 के बराबर आ जाए क्योंकि 8 बनता है, 2 और 6 को जमा करेंगे तो 8 बनता है, ऐसे ही है। तो बेसिकली हमें 2 और 6 रिटर्न करना चाहिए उसे, ऐसा ही है? यस सर, ऐसे ही। ओके गुड। आपके पास दो तरह के लूप होते हैं, एक होता है फोर ईच और एक मैप। ऐसे ही है सर। फोर ईच जो होता है वो कुछ रिटर्न नहीं करता, अगर उसमें आप रिटर्न भेजोगे भी उसने आगे रिटर्न नहीं करना, फोर ईच रिटर्न एक्सेप्ट ही नहीं करता आपका। मैप रिटर्न लेता है और मैप रिटर्न के बगैर चलता भी नहीं, तो हम करते हैं मैप। एक मैंने उठा लिया आइटम, मैप में दो चीज उठाई है, एक आइटम और एक इंडेक्स। अब उसमें गया हूं। अब कंडीशन क्या थी हमारी कि अगर तो वैल्यू हो देन वो रिटर्न करे, अदरवाइज ना रिटर्न करे। अब मैप यूज करने का एक नुकसान होगा हमें, अभी देखते हैं क्या रिजल्ट इससे भी आएगा हमारे पास। कंसोल लोड करवा लेता हूं मैं टेम्पर ए को जो हमारी ऊपर है। If मैंने कहा आइटम जो भी है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करता हूं मैं रे के इंडेक्स प्लस वन की आइटम्स, देन इसको रिटर्न करना चाहिए वो आइटम, ठीक है। अभी कंडीशन पूरी नहीं हुई, अगर तो वो इक्वल इक्वल होगा हमारे पास 8 के। अब इसमें चाहिए एल्स भी हमें, क्योंकि उसे रिटर्न चाहिए ही चाहिए किसी ना किसी सूरत में। वहां नोट करो उसने अनडिफाइन 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 रिटर्न कर चुके हैं हमें कई दफा। मैंने रिटर्न कर दिया मैंने नल। अच्छा, मल्टीप्लाई करने से है कि प्लस करने से? अगर तो प्लस करने से करते हैं तो फिर तो आ गया हमारे पास 2, ठीक है, उसने 2 दे दिया, 6 नहीं दिया, ठीक है। ये इशू है मैप के साथ, मैप ने हर आइट्रेशन पे एक वैल्यू रिटर्न करनी लाजमी, विदाउट रिटर्न नहीं वो बैठेगा। आपकी एक चला लूप, उसने रिटर्न किया, फिर चला लूप, फिर रिटर्न किया, फिर चला लूप, फिर रिटर्न किया। अब यहां पे ये मसला है इसका, मैप का। अब देख करके देखते हैं फोर ईच के थ्रू।
मैंने एम्प्टी अरे साइन कर दी इसे, फॉर ईच को यूज किया, अंदर मैंने यूज किया, सेम वही लॉजिक, आइटम कॉमा इंडेक्स। ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने इफ लगाई, इफ आइटम प्लस इंडेक्स प्लस वन, मतलब कि ये वाला पकड़ो, दस पकड़ो मल्टीप्लाई कर दो पांच से, पांच पकड़ो मल्टीप्लाई कर दो दो से, दो पकड़ो मल्टीप्लाई कर दो छह से, छह पकड़ो मल्टीप्लाई कर दो आठ से, आठ पकड़ो मल्टीप्लाई कर दो सात से। अब ये आ गया हमारे पास। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा टेम्परेरी में अगर तो ये मैच कर गया, हमारी कंडीशन इक्वल इक्वल टू एट है, ठीक है, देन क्या करो आप इसमें पुश कर दो आइटम, और साथ में मैंने कह दिया इसमें पुश कर दो मेरा इंडेक्स गया, इंडेक्स प्लस वन की वैल्यू। अब देखो आपके पास क्या आ गया, दो और छह दोनों आ। मैंने इंडेक्स वन क्यों किया, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास आठ, प्लस करके आपके पास आठ आ रहा था, तो मैं दोनों को ऐड कर दिया। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास छह है, अब इसका ही मसला बनेगा छह है और दो है, अब ये देखना क्या करता है, दो छह छह दो, उसने क्या किया पकड़ी वैल्यू, दो और पांच, दो और छह कितना बना आपका आठ, दो और छह आठ बना, और छह और दो कितना बना, ये भी आठ बना, तो उसने क्या किया दो और छह आठ, छह और दो आठ, छह मार दो दो दफा आ गया, मतलब कि अभी भी हमारी लॉजिक में कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। क्लियर बात? यस सर, लेकिन सारे अलहदा अलहदा होने चाहिए ना, जिस तरह नीचे अरे एक ही अरे के अंदर उसने सारे लिख दिए हैं, क्लाइंट को या हम मतलब कि दो और छह अलहदा, मतलब कैसे मीज तो एक एरे के अंदर 2 6 आए, फिर नेक्स्ट एरे के अंदर 6 2 आए। अच्छा, दो दो अरे ही बन के आने शो होनी चाहिए उसे। यस सर, जिस जो आपने जो आपने बनाया ना, क्योंकि उसके अंदर एक ही एरे के अंदर 2 6 6 2 यानी दो दो दफा आ गया। कोई मसला नहीं, ये लो दो रे आ गई, एक रे है उसके अंदर दो रे है आपका। यस सर, सही हो। अब ये क्या है, ये 2D रे है आपके पास। यस सर, आप इसमें जो मर्जी कर लो, आप बेशक पांच के अंदर तीन ऐड करें तो आठ बनता है ना, ये तीन होगी। पहले क्या, तीन और पांच को मैंने ऐड किया तो आठ बना, दो और छह को ऐड किया तो आठ बना, छह और दो को ऐड किया तो आठ बना। सही होगा सर, इससे हम सिंपल नहीं कर सकते इस, मतलब सिंपल कैसे, इस कोड को हम खाली इफ कंडीशन में नहीं लिख सकते, जिस तरह हम इवन ओड नंबर फाइंड करते हैं उसमें हम लिखते हैं तो चाहिए a मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, तो देन वो प्रिंट करवा दो। हाँ, लेकिन फिर भी आपको लूप तो चाहिए, क्योंकि आपने a में से वैल्यू उठानी है। आप फॉर लूप यूज करो, आप फॉर ईच करो, जो मर्जी करो, लेकिन लूप आपको चाहिए उसके लिए भी। सही होगा, आप रिमाइंडर के साथ कर लो कि यार अगर डिवाइड करके जीरो आ रहा है, आठ से डिवाइड करके, देन भी वो काम बनता है कि इवन और ऑड वाला जो आपने कहा, जीरो आया तो मतलब कि इवन है, जीरो नहीं आया तो मतलब कि ऑड है। यस सर, मल्टीपल वे है, ये जो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया इसका लाजमी नहीं है कि यही एक वे है, इससे बेटर वे भी हो सकता है। यस सर, वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम कितनी दफा आपने जो है ना रिपीट हुई है आपकी लाइफ में, हर दफा
प्रॉब्लम रिपीट होगी, आप कुछ ना कुछ बेहतर करोगे। अभी जैसे पहले हमने मैप यूज किया, हमने देखा एक इशू है, फिर हमने फोर ईच में आए, फिर हमने देखा यार एक इशू है, फिर हमने उसको एंड रिजल्ट पे लेके। इसी तरह आपकी लाइफ चलती है। आप पहली दफा में लाजमी नहीं कि आप पहली दफा में ही अपने डिजायर जो है वो आप पूरी कर लोगे, डिजायर आउटपुट जो आपको मिल जाएगी, आपको आइट्रेशन से गुजरना पड़ता है। डिसहार्ड नहीं होते इस चीज में, कभी भी एक चीज याद ना, प्रोग्रामिंग में जो डिसहार्ड हो गया ना उसने अपने आप को खत्म कर लिया, क्योंकि ये चीज ऐसी है। यस सर। ठीक हो गया, कोई और सवाल? सारी रिडक्स के, रिडक्स के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें। यार रिडक्स जो है ना उसके बारे में थोड़ा सा गाइड किया नहीं जा सकता, लेकिन इसमें सर सवाल बड़े पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। एक रिडक्स का सवाल पूछा जाता है लाजमी, और एक ये पूछा जाता है फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास बेस्ड कंपोनेंट में फर्क क्या है। हां लाजमी बात है क्योंकि बेसिक है ये। यस सर, जाएगा हमेशा। अब रिडक्स बेसिकली क्या है, आपके आपने जो है ना रिएक्ट में आपके पास चाइल्ड थ्रिलिंग होती है, ड्रिलिंग होती है, आप समझ लो उसको, ये कहते हैं, नाम मैटर नहीं करता क्या नाम है। मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी चाइल्ड में डेटा ऐड करना ना, ये डेटा देना है किसी चाइल्ड को, देन आप करते हैं क्या, पेरेंट से चाइल्ड तक डेटा पहुंचाते हैं। अगर वो बहुत ही डीप डाइन समझ लो परदादा बुने अपने बेटे के बेटे के बेटे के बेटे को देना है, तो ये होगा परदादा वगैरह जाएगा, फिर बाप के पास, फिर उसके बाप के, फिर उसके 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 एंड पे जाके चाइल्ड को मिलेगा। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट रिएक्ट में खराब था, जिसकी वजह से हम यूज करते हैं स्टेट मैनेजमेंट, और रिडक्स आपके पास स्टेट मैनेजमेंट का टूल है। इसमें क्या करते हो, आप पेरेंट को रैप कर देते हो, काम वही चल रहा है, पेरेंट को रैप कर देते हो, लेकिन आपको पास आउट हर जनरेशन में नहीं करनी पड़ती वो चीज। आप चाहते हो कि आपके पर मैं पोते के पास वो चीज जाए तो आप डायरेक्ट उसको दे सकते हो, आपको वाला साहब से होके गुजारने की जरूरत नहीं है उनसे। रिडक्स मेनली ये काम करता है, ओवरऑल रिडक्स का काम ये है। क्लियर बात? यस सर। बाकी आपने अगर एप्लीकेशन बनानी है तो रिडक्स की वेबसाइट पर जाओगे ना, वहां पे बहुत कमाल की डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना सीखो आप लोग लाजमी, क्योंकि ये आपका कोर है, इसके बगैर कुछ भी नहीं कर पाओगे। हर चीज की वीडियो नहीं मिलती आपको, ऐसे ही है सर। ब्लॉग की वीडियो बनाने में टाइम लग जाता है, उनके में बंदे कर चुके होते हैं। ब्लॉग चेन की सर कोई वीडियो मिल ही नहीं रही। मिल जाएंगी आपको, ब्लॉग चेन की तो वीडियो वादू पड़ी हुई है, लेकिन को बताने वाला नहीं है ना कोई सर। ये बात आप भूल जाओ कि आपको कोई बताने वाला मिलेगा भी लाइफ में। आपका टीम लीड है, फॉर एग्जांपल आप जूनियर डेवलपर, आपका टीम लीड है, टीम लीड के पास अपने काम भी बड़े होते हैं, तो वो कभी अपने काम छोड़ के अपनी नौकरी जो है ना खतरे में डाल के वो आपको गाइड करने हर एक चीज के बारे में नहीं आएगा। हाँ, कोई मुश्किल में फंस के हो, डेडलॉक लग गया, आपको समझ नहीं आ रही, इसके बाद R&D पूरी की है, रिसर्च पूरी की है आपने, लेकिन आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा, देन आप टीम लीड के पास जाओगे, वो आपको लाजमी गाइड करेगा। अगर आप छोटे छोटे मसलों के लिए जाओगे ना टीम लीड के पास, तो वो भी गुस्सा करेगा कि यार सर्च क्यों नहीं कर रहे आप, क्योंकि टीम लीड भी जब फंसता है ना वो भी सर्च करता है। यस सर। तो अपनी R&D जितनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं आप लोग करो, ये कोर है प्रोग्रामिंग का। क्लियर? Yes, sir, yes. पूछा क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट क्या होते हैं। यस सर। उसके लिए आपको ना पहले पता होना चाहिए ऊप और फंक्शनल प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस है। वो भी सर आप ही बता दें। यार ऊप आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग में हर एक चीज आपकी फंक्शन पे काम कर रही होती है। आपने कोई मॉडल बनाने, आप फंक्शन बना लेते हो और काम चल जाता है आपका, वो पूरा ऑल ओवर चल ही फंक्शन पे रही होती है। अब जावास्क्रिप्ट जो है वो फंक्शनल है, वो क्लास से निकल के फंक्शनल में जा चुकी हुई है। क्यों? क्योंकि फंक्शनल थोड़ी इजी है, लाइन ऑफ कोड भी आपको कम लिखना पड़ता है, और उसकी परफॉर्मेंस भी तेज है एज कंपेयर टू क्लास के। यस सर। रिएक्ट पहले यूज करती थी फंक्शनल क्लास कंपोनेंट, अब आपके रिएक्ट के ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, जो उनके ओरिजिनल
जो डॉक्स है उन पे भी वो हर जगह पे फंक्शनल कंपोनेंट ही आपको बता रहे होंगे, क्योंकि वो भी फोकस प्योरली उनका फंक्शनल कंपोनेंट पे है। क्लास कंपोनेंट की भी मेंटेनेंस भी वो छोड़ चुकी हुई है, वो उसको मेंटेन भी नहीं करती, उनका सिर्फ सिर्फ फोकस है फंक्शनल कंपोनेंट पे। हुक्स जितनी है आपकी ये सारी फंक्शनल कंपोनेंट के लिए, क्लास कंपोनेंट में हुक्स नहीं चलती आप। लेकिन ये जो लास्ट आपने हमें टास्क दिया था काउंटर वेब वेबसाइट का, फंक्शनल बनाया था मैंने, फंक्शनल का उसकी रीजन थी, क्योंकि आप जिस इंडस्ट्री में जा रहे हो लाजमी नहीं है कि उनका कोड जो है वो एक साल पुराना ही हो। अब जिस कंपनी में मैं जाता हूँ उस कंपनी का कोड जो है ना वो 6 साल पुराना है, तो क्या उसमें उन्होंने फंक्शनल कंपोनेंट यूज किया होगा जब तक वो था ही नहीं उस टाइम पे। क्लास कंपोनेंट भी आपको पता होने चाहिए कि यार अगर टास्क मिल गया है आपको तो आपको पता हो कि क्या काम क्या कर रहा है, मैं कंपोनेंट माउंट क्या कर रहा है, डिड माउंट क्या कर रहा है, डिड अपडेट क्या कर रहा है, आपका रेंडर फंक्शन क्या करता है, आपके कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, स्टेट क्या होती है, ये चीज आपको पता होगी, देन ही आप उस इंडस्ट्री में जाके अपना पांव जो है टिका पाओगे। अगर आप सिर्फ रहोगे फंक्शनल की तरफ देन आप उन कंपनीज में नहीं जा सकते जो पुराना सॉफ्टवेयर चला रही है। जी सर, क्योंकि उनका तो अभी तक अपडेट नहीं किया उन्होंने, इतना आसान नहीं होता अपडेट करना पुराने काम को, काफी देर लग जाती है उसमें। ठीक होगा सर, शुक्रिया। कोई मसला नहीं, कोई और सवाल आप लोगों का? ठीक है, आप लोग कोई टास्क नहीं है तो फिर एंड करते हैं इस सेशन को यहीं पर, कोई है तो मुझसे पूछ लें आप लोग। किसी को कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लो। चलें फिर, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।